किसी शायर ने लिखा है कि जब लफ्जों में सख्ती हुई और जज्बात की ना समझी दिखी, फिर मैंने भी दिल की बात कहना छोड़ दिया। और जब दिल की बात कविता, शायरी या नज्म बनकर पन्नों पर उभरती है, तब उसे पढ़ने वालों को लोग सुनते जरूर हैं। कविता एक एहसास, इस शीर्षक के अंतर्गत आपके सामने कुछ हृदय के स्पंदनों को जगाने वाली कविता प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। सभी कविताएं हमारे जीवन को भले ही दिशा ना देती हो, पर कुछ कविताएं ऐसी भी है जिनमें मन को छूने की, उसे भाव विभोर करने की क्षमता है। कहीं पर लिखा है कि संसार में बहुत सी कलाएं हैं, और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों का दिल छू लेना। आज जो कविताएं हैं वो कुछ नामी कवियों की तो कुछ उभरते कवियों की कल्पना का तोहफा है। मैं कुमार अभिषेक ग्रेट एको में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनते रहिए, धन्यवाद। कोई भी रिश्ता हो वो कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ वादे, कुछ सपने, कुछ शर्तें, तो कुछ सामंजस्य व बदलाव भी। रिश्ते एक तरह से खूबसूरत बंधन होते हैं, लेकिन ये बंधन तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक आप इनमें बंध कर भी एक सुकून व खुशी महसूस करते हैं। जब यही बंधन बोझ लगने लगे तो समझ जाइए कि आप कुछ ज्यादा ही बंध गए हैं, और अपने रिश्ते को पाने और जीने के लिए आप खुद को खोते जा रहे हैं, और खुद के लिए जीना तक भूलते जा रहे हैं। जब कभी ऐसे नौबत आए तो एक बार रुक जाए, ठहर जाए और सोचे जरूर कि क्या इस तरह से रिश्ते आगे बढ़ पाएंगे, और कब तक आप अपनी तरफ से इन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। कवियत्री कविता कहती है, वक्त के पांव में पहिए से क्यों नहीं लगे, आखिर क्यों ये पल पल भर ठहर नहीं जाते। घर मिल जाते कुछ पल तो बुन लेती मैं अपने सुंदर सलोने सपनों का नरम बिछोना, संजो लेती वो मधुर क्षण जो कभी कभार बासंती हवा के झोंकों से चले आते हैं और दे जाते हैं संबंधों को नवीन गरिमा। अगर ये वक्त दे देता मुझे कुछ पल तो बचा लेती मैं हमारे संबंधों की समाप्त होती उष्मा, और इस अश्रु सिंचित मन मरुथल में उगा लेती मैं एहसासों की नई बेली। पर नहीं, वक्त कहाँ रुका है और कब इसने दिया है संबंधों को नया आयाम। ये तो निष्ठुर समय चक्र है जो नहीं रुका न रुकेगा। जिंदगी का सबसे कठिन दौर यह होता है जब आप खुद के लिए नहीं किसी और के लिए जीने लगते। कुछ चुभन भी होती है, कुछ रोमांच भी होता है। ठंडी ठंडी बयार में उसका गर्म सा एहसास जीने का सबब बन जाता है। कुछ भारी सा दिल होता है तो कुछ नम सी आंखें होती है। न जाने कैसी होने लगी हूं मैं, तेरी यादों में जीने लगी हूं। वो ठंडी हवाएं जब छूती है मुझे
तब धीमी सी तेरी आवाज को सुनने लगी हूं मैं। यूं ही वजह बेवजह नम होने लगती है मेरी आंखें, तुझे याद करते करते नींदे खोने लगी हूं मैं। जब चांद तेरी याद दिलाता है, दूर फैला आसमान तेरी बाहें बन जाता है, जब बैठ नदी किनारे बहते पानी में तू नजर आता है। न जाने कब तेरे इतने करीब हो गई, तेरी मोहब्बत मेरा नसीब हो गई। अनजान लोगों से मिलने लगी हूँ, तेरी ही बातें करने लगी हूँ, सांसों में अपनी तुझे बसाने लगी हूँ, गीतों में अपने तुझे गुनगुनाने लगी हूँ, तेरी यादों में जीने लगी, तेरी यादों में मरने लगी। जज्बातों को हर कोई नहीं समझ सकता, ना ही पढ़ सकता। उसके लिए मखमली एहसास का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके होने से संवेदनाएं कभी नहीं मरती। वैसे भी संवेदनाएं मरा नहीं करती है, वो तो पत्थर दिलों से कभी कभी दूर हो जाती है, पर जब कभी वो दिल जिंदा हो जाते हैं तो फिर से लौट आती है। आज वो चाय पीते पीते पूछता है, तुमने लिखना कब शुरू किया? मैं उसके सामने बैठी और कहा, जब जज्बातों का समंदर भरा और सुनने वाला कोई नहीं था, तब लिखना शुरू किया। जब उन रातों में मां की सिसकियां सुनी पर कुछ कर नहीं पाई, तब लिखना शुरू किया। जब रिश्तों की हकीकत मालूम हुई और कुछ अपने गैर लगे, तब लिखना शुरू किया। और जब भी तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हें इन अल्फाजों में महसूस किया, तब लिखना शुरू किया।